हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम इंडियन जीके के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी समझे और ध्यानपूर्वक पढ़े। ये सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है। ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़े और लास्ट में आपको पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूं, उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। तो प्रश्न पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है। तो कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है किसे? चेयरपर्सन को। ठीक है, प्राधिकरण के चेयरपर्सन को। अगला देखते हैं कि तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथोरा कहाँ है। तोमर राजपूत द्वारा बनवाया गया किला राजपिथोरा कहाँ है? तो आपका उत्तर होगा नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में कौन सा किला किला है? राजपिथोरा, जो किसके द्वारा बनाया गया था? तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो आपका उत्तर होगा 1969 में। ठीक है, 1969 में क्या शुरुआत, किसकी शुरुआत हुई? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई कब? 1969 में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा भील। ठीक है, भील जनजाति से संबंधित है कौन सा आंदोलन? भगत आंदोलन। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रकूट वंश से। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश से कौन सी गुफाएं संबंधित है? तो आपको याद रखना है यह गुफाएं एलिफेंटा गुफाएं, जो राष्ट्रकूट से संबंधित है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा मैसूर में। ठीक है, मैसूर में क्या स्थित है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान स्थित है कहाँ पर? मैसूर में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? तो आपका उत्तर होगा विट्ठल। ठीक है, विट्ठल के अभंग भजन है। ठीक है, भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? तो आपको याद रखना है किस देवता के? विट्ठल के। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? तो आपका उत्तर होगा शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी। ठीक है, शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है। किस व्यक्ति का नाम? शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी का नाम। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि नृत्य रूप लटापद किस नृत्य से संबंधित है? नृत्य रूप लटापद किस नृत्य से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा भरतनाट्यम। ठीक है, भट्ट, सॉरी भट्ट नहीं, भरतनाट्यम है। ठीक है, नृत्य रूप लटा किस पद से, सॉरी पद किस नृत्य से संबंधित है? तो आपको याद रखना है वो है भरतनाट्यम से। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? तो आपका उत्तर होगा हरियाणा में। ठीक है, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? तो आपको याद रखना है वह है हरियाणा में। अगला देखते हैं। 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? 13 ताली नृत्य
किस प्रदेश का नृत्य है? तो आपका उत्तर होगा राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का नृत्य है कौन सा? तेहरताली नृत्य। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म है? दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म है? तो आपका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों का धर्म है कौन सा? दोनी पोलो। अगला देखते हैं, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? तो आपका उत्तर होगा बाघ की गुफाएं। ठीक है, बाघ की गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र में नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में क्या नागर द्रविड़ और वैसर की सही व्याख्या है? निम्नलिखित में क्या नागर द्रविड़ और वैसर की सही व्याख्या है? तो आपका उत्तर होगा मंदिर निर्माण की तीन भारतीय शैलियां। ठीक है, मंदिर निर्माण की तीन भारतीय शैलियां हैं जो नागर द्रविड़ और वैसर की सही व्याख्या है। अगला देखते हैं, अगला सवाल है कि ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में है? ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में है? तो आपका उत्तर होगा उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में क्या है? ब्लैक पैगोडा स्थित है। कहां पर? उड़ीसा में। अगला देखते हैं, केंद्रीय बोध अध्ययन संस्थान कहां स्थित है? केंद्रीय बोध अध्ययन संस्थान कहां स्थित है? तो आपका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, केंद्रीय बोध अध्ययन संस्थान कहां पर स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। अगला देखते हैं, मैत्री मंदिर कहां स्थित है? मैत्री मंदिर कहां पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा यह स्थित है पुडुचेरी में। ठीक है, पुडुचेरी में क्या स्थित है? तो आपको याद रखना है मैत्री मंदिर स्थित है कहां पर? पुडुचेरी में। अगला देखते हैं, अगला सवाल है कि इस्कॉन की स्थापना कब हुई थी? इस्कॉन की स्थापना कब हुई थी? तो आपका उत्तर होगा 1966 ईस्वी में। ठीक है, 1966 ईस्वी में क्या हुआ था? तो इस्कॉन की स्थापना हुई थी कब? 1966 में। अगला देखते हैं, अगला सवाल है कि जोधपुर के निकट ओसिया का मंदिरों जोधपुर के निकट ओसिया का मंदिरों का शहर किन राजाओं ने बनवाया गया? किन राजा द्वारा बनवाया गया? वापस से पढ़ते हैं प्रश्न को ध्यान से, कि जोधपुर के निकट ओसिया का मंदिरों का शहर किन राजाओं ने बनवाया था? तो आपका उत्तर होगा वह बनवाया था प्रतिहार राजाओं ने। क्या बनवाया था? ओसिया का मंदिरों का शहर बनवाया था किसने? प्रतिहार राजाओं ने। अगला देखते हैं कि एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ है? एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ पर है? तो आपका उत्तर होगा थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड में किसका मंदिर है? तो आपको याद रखना है एमराल्ड बुद्ध का मंदिर है कहाँ पर? थाईलैंड में। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, कल्लोल निम्नलिखित प्रभावों में से सबसे प्रभावशाली आंदोलनों में से एक का नाम था? कल्लोल निम्नलिखित प्रभावों में से सबसे प्रभावशाली आंदोलनों में से एक का नाम था? तो एक का नाम था बांग्ला। ठीक है, बांग्ला आंदोलन था जो सबसे प्रभावशाली आंदोलन था। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जो यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा विश्वकर्मा जयंती। ठीक है, विश्वकर्मा जयंती है जो यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किसने शिव तांडव स्तोत्र गाया था? भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किसने तांडव स्तोत्र गाया था? तो किसने गाया था? रावण ने। ठीक है, रावण ने शिव तांडव स्तोत्र गाया था। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? निम्नलिखित में से किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? तो आपका उत्तर होगा ओटाम थुलाल। ओटाम थुलाल है जो पंडित
जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा? किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा? तो आपको याद रखना है वो नृत्य था ओटाम थुल्लाल। ठीक है, ओटाम थुल्लाल। अगला देखते हैं, अगला सवाल है कि राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है? तो आपका उत्तर होगा वह है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है कौन सा सम्मान? राष्ट्रीय कबीर सम्मान। ठीक है, तो दोस्तों आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।